नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक और नई जानकारी लेकर हम एक बार फिर हाजिर हैं आप लोगों की सेवा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसे लोग अपने शौक के लिए काफ़ी खाना पसंद करते हैं और कहीं भी आपको अधिकतर लोग इसे खाते हुए दिख जाएंगे। दोस्तों, यह चीज़ है भुट्टा, जिसे हम मक्की भी कहते हैं, मकई भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर भुट्टा और मकई खाने के भी क्या कुछ फ़ायदे हो सकते हैं, और अगर फ़ायदे होते हैं तो वो फ़ायदे क्या क्या होते हैं। अब जो लोग नहीं जानते कि ये क्या चीज़ है, सबसे पहले उन लोगों को इसका थोड़ा सा परिचय दे देते हैं, फिर बात करेंगे इसके फ़ायदों के बारे में। दोस्तों, भुट्टा, जिसे मक्की मकई भी कहा जाता है, इसे खाने के बहुत फ़ायदे हैं। भुट्टे को मक्का, छल्ली, स्वीट कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। भुट्टा अपने मीठे स्वाद के चलते यह न सिर्फ बच्चों को पसंद आता है, बल्कि इसे बड़े भी बहुत चाव के साथ खाते हैं। इसे उबाल कर, भून कर, पका कर, किसी भी तरीके से आप खा सकते हैं और इससे सेहत को फ़ायदे ज़रूर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं इसके लाजवाब फ़ायदों की, किस किस तरह से भुट्टा खाने से हमारे शरीर को फ़ायदा मिलता है। तो फ़ायदे की बात में सबसे पहली बात आती है कि यह हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। जी हाँ, प्रोटीन दूसरा ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसकी शरीर को सबसे अधिक आवश्यकता होती है। इसका काम बॉडी सेल्स को भारी टूट फूट से बचाना, मसल्स बनाना और बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाना होता है। मक्के में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पुरुषों को रोजाना 56 ग्राम और महिलाओं को रोजाना 46 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसे सिर्फ आप 1 कप स्वीट कॉर्न को खाकर प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं इसके दूसरे फायदे की, जो कि है आँखों की रोशनी इंक्रीज करना। जी हाँ, मकई में जेक्सान्थिन नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग पीला होता है। इससे उम्र बढ़ने के साथ आँखों में होने वाली समस्याएं जैसे कि मोतियाबिंद, आँखों का सूखापन, आँखों से पानी निकलना आदि से छुटकारा मिलता है। भुट्टे के सेवन से आँखों की रोशनी भी तेज होती है। बात करते हैं इसके अगले फायदे की, जो कि है याददाश्त शक्ति को तेज बनाना। जी हाँ, मकई में थियामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और उसमें उपस्थित न्यूट्रिएंट्स दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा भुट्टे के सेवन से याददाश्त भी अच्छी हो जाती है। मक्के को खाकर आप अल्जाइमर जैसी भूलने की बीमारी से बचे रहते हैं। बात करते हैं इसके अगले फायदे की, जो कि है दिल के लिए। दोस्तों, मकई दिल के रोगों को ख़त्म करने में भी कहीं ना कहीं मददगार जरूर होता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी, कैरोटीनॉइड्स और बायोफ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं। यह कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ने नहीं देते हैं और शरीर में खून का प्रवाह भी ठीक तरीके से करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसका अगला फायदा होता है मोटापा कम करने में। जी हाँ, भुट्टे को थोड़ी सी मात्रा में खाने से पेट भर जाता है, साथ ही इससे पूरे दिन के लिए जरूरी पोषण भी प्राप्त हो जाते हैं, जिससे आपको बार बार भूख नहीं लगती। इसलिए यह वजन को कम करने में आपकी हेल्प कर सकता है। इसका सूप बनाकर पीना भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, यह हमें एनर्जी देता है। जी हाँ, एक वयस्क को दिन भर की एनर्जी के लिए 130 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ती है। 1 कप पके हुए स्वीट कॉर्न में 31 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है, जो शारीरिक और मानसिक दोनों की एनर्जी के लिए ज़रूरी है। तुरंत एनर्जी यानी कि इंस्टेंट एनर्जी प्राप्त करने के लिए आप भुट्टे को कभी भी खा सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं इसके आखिरी फायदे की, जो कि है एनीमिया में फ़ायदेमंद। जी हाँ, आयरन की कमी के कारण एनीमिया की समस्या हो जाती है। इसे दूर करने के लिए भुट्टा बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है, क्योंकि भुट्टे में विटामिन बी और फोलिक एसिड भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो एनीमिया जैसी डिजीज से आपको छुटकारा दिलाने में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यह कार्डियोवास्कुलर के लिए भी काफ़ी लाभकारी होता है। जी हाँ दोस्तों, स्वीट कॉर्न को फोलेट का बहुत ही बढ़िया सोर्स माना जाता है, जिसे विटामिन B9 के नाम से जाना जाता है। इसकी सही मात्रा शरीर में होमोसाइटिन लेवल को बैलेंस करने का वर्क करती है, जो ब्लड वेसल्स को क्षति पहुंचाती है, जिससे आपको हार्ट अटैक होने का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। रोजाना फोलेट की सही मात्रा लेकर 10% तक हार्ट अटैक के खतरे को कम किया जा सकता है।
सकता है। और इसके अलावा यह पाचन क्रिया को बेहतर बनाने का वर्क करता है। जी हाँ, पाचन क्रिया को बेहतर बनाने के लिए खाने में फाइबर का होना बहुत ज़रूरी माना जाता है। मक्का में फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह सिर्फ पाचन के लिए ही नहीं बल्कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में भी अच्छे खासा काम करता है। इससे कब्ज की समस्या से भी राहत मिलती है, साथ ही कोलेस्ट्रॉल की बढ़ती मात्रा को भी कंट्रोल में रखा जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे भुट्टा मक्की यानी कि मकई के खाने के लाजवाब फायदे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।